आर्टिस्ट हर दौर में यूज करते रहे हैं नए मीडियम्स। कोई यूज करता है ब्रश, कोई वीडियो, कोई ऑडियो और कोई फोटोग्राफ। मगर एक आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि क्यों ना फेसबुक को यूज किया जाए एज एन आर्ट मीडियम और क्रिएट किया जाए एक नया आर्ट वर्क। इन्होंने क्या क्रिएट किया है, लेट्स चेक इट आउट। जो मॉडल मेरे पार्टनर नफीसा रिजवी, हु इज़ एन आर्ट राइटर, उन्होंने सिलेक्ट किया था, वो रिलेशनल एस्थेटिक्स का था। और रिलेशनल एस्थेटिक एक आर्ट की ब्रांच है जो कि पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर या मेन स्ट्रीम नहीं है। बेसिकली अगर सिंप्लीफाई करके मैं बताऊँ तो रिलेशनल एस्थेटिक ये हुआ कि जहाँ पे एक आर्ट पीस मुकम्मल तब होता है जब एक ऑडियंस का उससे इंटरेक्शन होता है, एंड नॉट जस्ट के एक विजुअल इंटरेक्शन है, आपने देखा, आपने कहा कि अच्छा मैंने ये समझने की कोशिश की, मगर वो इंटरेक्शन है कि ऑडियंस कॉन्ट्रीब्यूट करता है फिजिकली। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आर्टिस्ट जो है एक स्टूडियो में रह के विद इन दैट कन्फाइनमेंट चीज़ क्रिएट करता था, फिर वो गैलरी की कन्फाइनमेंट में पहुँच के लिमिटेड लोग उसको देखते, उसको एक्सपीरियंस करते, उसको समझ सकते थे। आई फील द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, आर्टिस्ट तक को जो है वो ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो कि मासेस जो है काम से रिलेट कर सकें। जो मेरा मीडियम था फेसबुक को मैंने जो है एक पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल किया या एक ड्राइंग पेंसिल की तरह इस्तेमाल किया, और मुझे लगा जैसे ड्राइंग जो है आपको जो है सीखनी पड़ती है कि एनाटॉमी ऐसे होगी, सर ऐसे बनेगा, हाथ ऐसे बनेगा। फेसबुक की जो स्किल थी वो लोग अक्वायर कर चुके थे, तो मेरे लिए आसान था लोगों के साथ शेयर करना कि अगर उन्हें जो है मेरे आर्ट वर्क में किसी चीज़ का इजाफा करना है तो मेरी ज़रूरत थी कि मैं उस स्किल के साथ काम करूं जो लोग इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है उसमें आई है। मैंने सबसे पहले मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, अब मैंने अपने उस किरदार का जो है नाम जहाँ आरा रखा, और फिर मैंने जो है अपने दोस्तों को जो है एक मेल फॉरवर्ड की, जिसे मैंने उन्हें इनवाइट किया कि ये जो है एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं चाहती हूँ कि वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। ये जो कैरेक्टर है जहाँ आ रहा, इसको जो है हर आदमी ने अपनी फेसबुक पे जो है टैग करना था, और टैग उन लोगों को करना था जिन शख्सियात को वो जो है अपनी फ़ोटो एल्बम्स में पहचान ना सकें। सो दे वरंट इस प्रोसेस में दे वरंट एडिंग फ़ोटोग्राफ्स, वो अपनी पुरानी ही तस्वीरें जो कि फेसबुक की एल्बम्स थी उन्हें दोबारा जाके देख के रिविज़िट कर रहे थे, और फिर उसमें से जो है वो लोग निकाल रहे थे जिनको उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया था या कोई अटेंशन नहीं पे की थी, उन्होंने टैग करना शुरू किया जहाँ आ रहा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके दिन ब दिन 3 तस्वीरें, 4 तस्वीरें, 5 तस्वीरें वो एक जहाँ आ रहा की आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई। मज़ेदार सी चीज़ थी क्योंकि कुछ लोगों ने जो है इवन लोगों की चॉइस के किसको वो टैग करेंगे जहाँ आ रहा या कौन सी तस्वीरें वो शेयर करना चाहते हैं, बहुत मज़ेदार थी। कुछ लोग बहुत ही ब्लेटेंट थे कि एक बहुत ही ऑब्वियस सा कैरेक्टर जहाँ आ रहा, कुछ लोगों ने जो है कोई दूर छोटी सी कोई कैरेक्टर कोई चीज़ कर रहा है या कोई शख्स कोई चीज़ कर रहा है तो उसको टैग किया था जहाँ रहा। बट मज़ेदार चीज़ ये थी कि ये अननोन लोग जो हैं जो कि इन फ्रेम्स में ट्रैप हुए हुए थे, एक तरह से एकदम से इन्हें एक आइडेंटिटी मिल गई, दे बिकेम रेलेवेंट। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद है राइड रोल्स रॉयस की, सो डोंट मिस इट।